और जहां सरकार के प्रयासों व सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी धूम्रपान रोकने के तमाम प्रयास फेल होते नजर आ रहे हैं, वहीं हरियाणा का एक गांव ऐसा भी है जहां पर परंपरा है कि कोई भी व्यक्ति बीड़ी सिगरेट नहीं पीता। जी हां, मैं बात कर रहा हूं गांव शंकरपुरा की। इसी गांव का मैं 5 वर्ष तक सरपंच भी रह चुका हूं। हमारी जहां भी नज़र जाती है वहां युवक बीड़ी का कस लगाते हुए मिलेंगे व बुजुर्ग हुक्के को गुड़गुड़ाते हुए, परंतु मेरे पड़ोसी गांव शंकरपुरा में कोई भी युवक बीड़ी सिगरेट व हुक्का नहीं पीता। शंकरपुरा गांव के बच्चे शिक्षा व खेलों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। ना हमारा गांव में कोई नहीं पीता, हमें सोधी संभाली हमने ना कोई पींदा देखा और ना पींदा कोई, हमारा वडेरू में पीछे ना कोई पी। जहाँ एक और समाज की अधिकतर परंपराएं समाज को तोड़ने का कार्य करती हैं, वहीं यह परंपरा एक और स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है तो दूसरी ओर देश हित में भी है। बताइए कि आपके गांव में कोई भी बीड़ी सिगरेट क्यों नहीं पीता? जी हमारा गुरु तेग बहादुर का वरदान है, हमारा वडेरा हो गया था 84 साल का, जिनसे कोई सुल्तान पैदा नहीं हुआ था, वो गुरु तेग बहादुर की संगत लग रही थी, उड़ा गया था, उड़ा जाने गुरु तेग बहादुर के पैर लाग गया था। वो बोले जो मेरा सिंह होगा वो कबीड़ी नहीं पीएगा, जो जो हमारा ब्रेन हो कबीड़ी नहीं पी, 84 साल में 7 पैदा हुई थी उस समय से हमारी कर लिया हो। इस गांव की दुकानों में बीड़ी सिगरेट व नशे संबंधी सामग्री ढूंढने पर भी नहीं मिलती। इसके अलावा गांव के युवा क्या कोई बीड़ी सिगरेट पीता है इस गांव में? नहीं, यहां पे कोई बीड़ी सिगरेट नहीं पीता। इसके पीछे क्या कोई कानूनी दबाव है अपने आप? नहीं, ये बुजुर्गों से चली आ रही एक रीत है, जो सिलवाल गोत्र है वो उसने शुरू से ही पाबंदी लगा रखी कि भाई तंबाकू यूज नहीं करना, और वही परंपरा का आज तक निर्वाह हो रहा है। तो आप दूसरे लोगों को, दूसरे गांव या दूसरे देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो लोगों को यही संदेश देना चाहता है कि इसमें बुरी बीमारी से बचो, बीमारी बहुत भयंकर है, इससे जो कैंसर तक के रोग पैदा होते हैं। अच्छा लगता है जब कोई भी व्यक्ति बीड़ी सिगरेट नहीं पीता। जब एक गांव धूम्रपान मुक्त हो सकता है तो बाकी क्यों नहीं। मैं सत्यवान वर्मा, इंडिया अनहर्ड के लिए, मुगलपुरा हरियाणा से।